वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त आप मेरे साथ हैं मी एंड माय किचन में, और मेरे किचन में बन रहे हैं दम कबाब। दम कबाब की रेसिपी, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत आसानी से इस रेसिपी को, जिस तरह मैं पिछली वीडियो में कोशिश करती आई हूँ कि हम बहुत ईजीली रेसिपी को बना सकें और घर के बड़े छोटे सभी इसको लाइक कर सकें, क्योंकि जब हम कोई रेसिपी बनाएं और बच्चे ना खाएं तो बड़ी नाउम्मीदी होती है, क्योंकि सारा दिन मेहनत करो और बच्चे ना खाएं। वेल, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। ज़्यादा बात नहीं करते, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमको 1 किलो कीमा चाहिए। कोशिश करिएगा कीमे के अंदर पानी ना हो। फिर हम उसमें 1 मीडियम चॉप अनियन डालेंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्चें डालेंगे। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, कम बढ़ती या ज़्यादा आप कर लें। हमने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें सीख कबाब का मसाला डाला है। ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी, लेकिन कोशिश करें इतना बहुत होगा। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, ठीक है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अभी हम चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक और आपको बात बता दूं कि अगर आपके कीमे में पानी है तो आप 3 टेबलस्पून चनों का आटा या बेसन इसमें ऐड कर लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा, 1 खाने का चम्मच नमक डाल दीजिएगा। अच्छा, मैं इसको 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए कम से कम मैरिनेट के लिए रखूँगी, लेकिन अगर आपको 1/2 घंटे में बनाने हैं तो आप इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून कचरी पाउडर ऐड कर दीजिएगा। इस तरह ये जल्दी गल जाएगा और फिर आपको ज़्यादा देर मैरिनेट करने के लिए रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ, हमें ग्रेवी बनानी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रेवी, लेकिन उससे पहले हमें एक पेस्ट बनाना है टमाटरों का। तो हमें इसके लिए 6 से 7 टमाटर चाहिए, 3 से 4 हरी मिर्चें चाहिए, 1 प्याज चाहिए मीडियम साइज़ की, और अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको हमने ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंड कर लेना है। जब ये पेस्ट तैयार हो जाएगा तो फिर हमने ग्रेवी रेडी करनी है। हम एक पतीली लेंगे, उसके अंदर 1/2 कप ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इस पेस्ट को उसके अंदर डाल देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है यहाँ पर कि आप मसाले में अगर लाल मिर्चों का पाउडर ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप उसको डाल दीजिएगा। जब थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो मैं मसाले डालना शुरू करूँगी, ठीक है। एक टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाला है मैंने। मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आपको लाल मिर्चों का पाउडर पसंद है तो यहाँ लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें, इसको मिक्स करें। 2 चम्मच हरा धनिया पाउडर डालें, 1/2 चम्मच जब मसाला भुन जाएगा तो मैं आखिर में टमाटो केचप ऐड करूँगी, लेकिन अगर आपको केचप नहीं पसंद तो आप टमाटो प्यूरी डाल सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेवी हमारी यहाँ डन हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने सीख कबाब के ऊपर। अब हमारे 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेशन को, तो हम सीख कबाब बना लेते हैं। हम सीख पे पहले ऑयल लगाएंगे और इसको इस तरह अपने हाथ से सीख के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ये इस तरह हम थोड़े मोटे मोटे बनाएंगे, अपनी अपनी चॉइस है। आप पतले पतले बनाना चाहें हाथ से या मोटे मोटे, ही आपकी मर्ज़ी है। अब मैं इनको एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, नॉन स्टिक का फ्राई पैन लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालकर हम इसको फ्राई करेंगे। पहले हम नीचे से फ्राई करेंगे एक साइड से, जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसको पलट देंगे, फिर हम ऊपर से फ्राई करेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा है जो हमने पलटा है, फिर उसको फ्राई करेंगे। जब 2 साइड से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम उसकी जो साइड्स होती हैं हम वहाँ से फ्राई करेंगे, यानी चारों तरफ से हम इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसको अपनी प्लेटर में निकाल देंगे। इसी तरह हम बनाते जाएंगे और सारे फ्राई कर लेंगे, बहुत सिंपल है। और इसी के अंदर जो है ना, आप खाएँगे ना तो यकीन माने आपको टेस्ट बहुत पसंद आएगा, खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। ये गल चुके हैं थे ये टेस्ट करने में।
अब हम इसको जो है ना, अपनी जो हमने ग्रेवी रेडी की है, हम इस ग्रेवी का चूल्हा ऑन करेंगे और अपनी ग्रेवी के अंदर इसको डाल देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ एक काम और किया था कि मैंने इस टाइम में 1/2 कप पानी डाला था और उसे पकाया था। आप चाहें ज़्यादा ग्रेवी लाइक करते हैं तो आप 1 कप पानी डालकर उसे पकाकर फिर ये इसमें ऐड कर दें। इस तरह पहले जब डालेंगे चम्मच नहीं चलाइएगा, 2 से 3 मिनट के बाद इसको चेंज कर दीजिएगा। इसकी लास्ट लुक है जो मैंने इसे डिश आउट किया, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी लास्ट लुक आई थी। और इसी तरह आप भी बनाएं, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। बच्चों को केचप डाल के थोड़ा सा दें, वो भी लाइक करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी मेहनत को जब आपके कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक और बात ये बता दूँ कि मेरे तकरीबन 17 कबाब बने हैं 1 किलो के अंदर। अगर आप थोड़े पतले बनाएंगे तो आपके 18 बन जाएंगे। और इसकी जो तकरीबन 7 से 8 लोग आराम से खा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को इसी तरह हरा भरा रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।